as d by dx of sin x is equal to cos x, cos x is equal to minus, यानी कि sin x का डेरिवेटिव होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव secant square x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x और cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x। तो ये रिजल्ट्स आप नोट कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, कोई ना कोई कंपोजिट फंक्शन आ सकते हैं हमारे पास बच्चों, जैसे कि d by dx of sin 2x। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, यानी कि cos यानी कि जो एंगल है वो रहे, लेकिन एंगल मेरा x नहीं है बच्चों, एंगल क्या आपके पास 2x, तो इस एंगल का भी दोबारा से क्या होगा डेरिवेटिव, यानी कि d by dx of 2x, 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 cos of 2x, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसी तरीके से मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, d by dx of tan of x square plus 1, मुझे इस टर्म का डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant square x, secant square x, x का मतलब जो एंगल में है बच्चों, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटू में एंगल का भी डेरिवेटिव करना बच्चों, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो थोड़ा सा अच्छे अच्छा लगेगा दिखने लिखने में बच्चों ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 7.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस 5x, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस साइन, तो यह आएगा माइनस साइन 5x इंटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कितना है बच्चों 5x, तो यह आ जाएगा 5x का डेरिवेटिव 5 ही होगा ना माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा साइन 5, ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, देखिए क्या y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स और x स्क्वायर रूट है बच्चों यहाँ, इसको मैं यूज बोथ कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स, देन वाई किसके इक्वल बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ यू के इक्वल बचेगा, ठीक है। यहां से निकालिए आप डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू कितना आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको एक रिजल्ट सिखाया था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दोबारा से देखिए उसको, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस रूट एक्स, इंटू में किसका डेरिवेटिव बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, चेन रूल लगा दीजिए, आप लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू कितना है 1/2 स्क्वायर रूट यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, कितना बच्चों ये है कोस रूट एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, यू की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 देखिए 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, u की वैल्यू कितनी है बच्चों ये साइन स्क्वायर रूट एक्स, u की वैल्यू है ना ये और ऊपर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ऊपर कितना मेरे पास कोस रूट एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किया है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो ये क्वेश्चन जो ये कर सकते हैं बच्चों, समझ आया ना। तो साइन किया, साइन का डेरिवेटिव कोस, और उसके बाद बच्चों डी वाई बाई डी, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवंथ पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए
ये आपके पास y इज इक्वल टू टू कोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही करते हैं इसको, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई x की तरह टर्म है तो इसका डायरेवेटिव क्या होता है वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि x की जगह ये टर्म कर देता हूँ इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। पहले क्या किया हमने रूट वाली टर्म का फिर कोट का डेरिवेटिव, तो टू से टू कैंसिल वन बाई कोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, ये एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब मत करना बच्चों क्योंकि ये टर्म एंगल में है, यह आएगा माइनस टू एक्स, यह आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कोट एक्स स्क्वायर का, ये आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये बच्चों क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू सीकेंट और एंगल में है बच्चों टेन एक्स, यानी कि ये x की तरह काम करेगा, तो dy वाई बाई डी एक्स सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x टेन x, सीकेंट x x की जगह क्या टेन x, सीकेंट x और टेन x, टेन के एंगल में क्या आएगा टेन x, secant x का डेरिवेटिव क्या होगा secant x और tan x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में क्या टर्म है बच्चों tan x, ठीक है। तो ये आ जाएगा secant इनटू tan x इनटू में tan, ये जो tan x है बच्चों ये कहां पर है एंगल में है, तो आपको एज इट इज रखना है ये tan x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा secant, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आपके पास कोई सेकंड का फिफ्थ पार्ट लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू साइन कोस के एंगल में बच्चों एक्स स्क्वायर और साइन के एंगल में है कोस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो देखिएगा ध्यान से क्या आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों कोस, और जो टर्म है ये सेम रहेगी क्योंकि ये इसका एंगल है साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स इंटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है ये टर्म बच्चों कोस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा कोस कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस साइन एंगल एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको आप माइनस को बाहर लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स लिख लिया मैंने पहले, माइनस टू एक्स कोस के एंगल में बच्चों कोस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स, तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस सिक्स एक्स, लास्ट लेक्चर में हमने पावर मेथड किया था बच्चों, पावर मेथड लगाइए पावर आगे थ्री पावर से कम साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में अंदर y टर्म का डेरिवेटिव, अंदर क्या बचा बच्चों ये sin x ये y टर्म प्लस इसका डेरिवेटिव कीजिए पावर आगे 6 cos की 5x इनटू में cos x का डेरिवेटिव, तो ये कितना आएगा बच्चों 3 sin square x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 6 cos की 5x और cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस sin x, ठीक है।
ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे इसमें से कॉमन आएगा बच्चों 3, साइन एक्स कोस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट में टर्म बचेगी साइन एक्स और यहाँ क्या बचेगा -2, एक कोस कॉमन ले लिया तो कोस की 4, ये आपका क्या जाएगा आंसर है जो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सभी क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करने हैं बच्चों। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। आपके पास गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ 1/x, ये आपके पास टर्म गिवन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, मैंने डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ 1/x, इसका मतलब क्या बच्चों, d/dx ऑफ x की पावर -1, पावर आगे और पावर से एक कम तो -2, तो ये कितना आ जाएगा -1/x। इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, डेरिवेटिव 1/x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा -1/x। ठीक है बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए dy/dx इज इक्वल, ये कितने टर्म है 2, और कैसे क्यों ना बच्चों प्रोडक्ट में, तो रिजल्ट लगाइए फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम रहेगा कोस 1/x, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव इन टू में डेरिवेटिव किसका, इस टर्म का बच्चों, इन टू में डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना आता है -1/x प्लस 2x साइन 1/x। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये साइन 1/x है ये एंगल में, इस x से ये x कैंसिल नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी, ये जो cos के साथ 1/x है ये कहाँ पर है एंगल में, तो इस x के से ये कैंसिल, तो आपके पास कितना आया माइनस cos ऑफ 1/x प्लस x साइन 1/x, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट है, देखिए ध्यान से क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमने इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, तो u by v फॉर्म है बच्चों, जब आपके पास ये u by v फॉर्म आएगी तो इस पे हम जो है क्वेश्चन रूल है जो वो अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो गया बच्चों dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है कोशेंट रूल, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों 2 पावर आगे, पावर से एक कम होगा साइन एक्स और इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 और इसका कितना आएगा बच्चों 2 पावर आगे कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोबारा से देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसके बाद आप बच्चों सिंपलीफाई जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ये हमने किया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को जो हमने डिस्कस किया है, उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से आप नोट कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करना आपने 2 या 3 स्टेप की कैलकुलेशन है वो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.2। 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, u by v फॉर्म है बच्चों,
आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा। देखिए कैसे होगा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, लिख लेते हैं इसको डिटेल में, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 + cos x। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 + cos x का स्क्वायर, ये आएगा 1 + cos x इनटू d/dx ऑफ इस टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0। देखिए बच्चों ध्यान से, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, और एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 - cos x इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, माइनस sin x। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये आपके पास है प्लस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ये आएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस प्लस साइन एक्स, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था ना, माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कितना हो जाएगा 2 sin x अपॉन 1 + cos x का। तो ये हमने किया बच्चों, कोशेंट रूल से क्वेश्चन को अप्लाई किया है, और रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से जो है कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट बच्चे, देखिए y is equal to square root of 1 - sin x upon 1 + sin x, चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं इस टर्म को जो हमें यूज पोज कर लेते हैं। देखिए लेट u is equal to 1 - sin x upon 1 + sin x, ये आपके पास u हो गया। उसके बाद हम जो अब जो है हम y है जो आपका इक्वल हो गया यहाँ पर, दिस इंप्लाइज y किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ u के जो है इक्वल हो गया। अब देखिए इसको किस तरीके से, देखिए बच्चों तो y आपका किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ u के, तो यहां से dy/du निकालते हैं, dy/du इज इक्वल टू 1/2 √u। यू की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे बच्चे, आप यहीं तक नोट कीजिए, dy/du इज इक्वल टू दिस। अब हम सॉल्व करते हैं du/dx, du/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा कोस एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा कोस एक्स। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आएगा du/dx इज इक्वल टू 1 + sin x का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, माइनस कोस एक्स और ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स साइन एक्स, माइनस कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कोस एक्स साइन एक्स, ये टर्म कैंसिल, ये आएगा आपके पास माइनस 2 cos x अपॉन 1 + sin x का होल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें चेन रूल, dy/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा dy/du
इनटू में डी यू बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी यू कितना आया 1 बाई टू स्केयर रूट यू, इनटू में डी यू बाई डी एक्स कितना आया माइनस टू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू किसके इक्वल था ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये कितना आएगा 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस 2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू माइनस, इसको भी इधर ले सकते हैं आप, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू में माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है ये हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके पास क्या y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो आपको प्रूव क्या करना है वो देखिए, प्रूव करना आपको वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो यहां से लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेरिवेटिव करना ए क्या बच्चा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, बी एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का स्क्वेयर प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स का, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आइडेंटिटी लगा दीजिए ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स। यहाँ से क्या टर्म आएगी प्लस टू ए बी साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ से आएगी बच्चों माइनस टू ए बी साइन एक्स, वो कैंसिल हो जाएगी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस बी स्क्वेयर क्या आएगा साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है एक टर्म वो कैंसिल हो जाएगी, टू ए बी साइन एक्स कोस एक्स यहाँ से प्लस का आएगा यहाँ से माइनस, तो इसमें से ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा ए स्क्र इंटू साइन स्क्र एक्स प्लस कोस स्क्र एक्स, साइन स्क्र एक्स प्लस कोस स्क्र एक्स क्या होता है वन प्लस, फिर इसमें से आप कॉमन लेंगे बी स्क्र तो कोस स्क्र एक्स प्लस साइन स्क्र एक्स क्या होता है बच्चों वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।